अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बहन भाइयों, नया दिन मुबारक हो। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अलामिया गमों परेशानियों मुसीबतों से बचाए, आपको बीमारियों से बचाए, बेरोज़गारी से बचाए, कामयाबियाँ अता फरमाए, आपके बच्चों को, आपको जिस काम में आ डलें, आपको अलामिया कामयाब करे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ, आप मेरे साथ रहें। आज कुछ तबीयत थोड़ी सी ढीली हुई है मेरी, तो जो भी रूटीन होगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें प्लीज़, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। तो आज धूप निकली हुई, रात को हल्की सी बारिश हुई थी, उससे मौसम ज़रा बेहतर हो गया था, लेकिन सुबह फिर थोड़ी सी धूप निकली है तो गर्मी फिर फील हो रही है। अब लाइट भी नहीं है, लाइट भी गई हुई है, तो लाइट वालों ने भी रोज़ का तमाशा बनाया होता है। सुबह मेरे ख्याल में 8 बजे गई है, अब 2 बजे ही आएगी लाइट। रेसिपी तो कोई भी शेयर नहीं कर सकूँगी जब तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, उस वक्त तक रेसिपी नहीं बना सकती। तो और जो भी रूटीन होगी खाने पकाने की, बहू मेरी बनाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहें दिन भर। अभी ज़रा बाहर आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, तो बाहर जाते हैं ज़रा सहन में। फूल दिखाती हूँ आपको जो मेरी पसंदीदा अभी है, मुझे अच्छे लगती हैं ये हरियाली, ये फूल फूल। इसका कह रही थी आज एक मोती का वो निकल रही है कोंपल सी, ये देखो ये पुदीना लगाया था तो लग गया है, तो इसके साथ भी नई कोंपलें निकल रही हैं बेल के साथ, मोती की लंबी होती जा रही है। इसके साथ फूल थोड़े से कम हो गए हैं, इसके भी फूल थोड़े से कम हो गए हैं पर्पल वाले। मौसम चेंज हो रहे हैं ना, धूप में होते हैं तो बस उस वजह से ज़रा। आज थोड़ा सा सांस का मसला हो रहा है, कुछ मैदे में ही मसला हो रहा है उसकी वजह से। ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, ये वाला फूल कलर कितना प्यारा है इसका। ये जो टमाटर को मैंने सहारा दिया था थोड़ा सा फ्रेश हो गया है। गुलाब के साथ भी कुछ भी नहीं अभी निकला, ये बॉटल्स सब कुछ। ये हमने हल्दी लगाई थी पिछले साल तो अभी ये हरी हो रही है, देखें इसके भी पत्ते निकल रहे हैं। ये हल्दी का पौधा लगाया था, ये देखें ये लगाया था, यहाँ पे भी पुदीना, ये भी सही खड़ा हुआ है। और जो कुछ भी बीज लगाए थे कुछ नहीं निकले। अंदर चलती हूँ, धूप में ज़्यादा मेरे लिए नहीं अच्छी। मेरी पोती के जी कल से फर्स्ट टर्म के पेपर स्टार्ट है, कल इंग्लिश ए का इसका पेपर है। मेरी पोती के लिए दुआ कीजिएगा कि इसके पेपर अच्छे हों। लाइट आ गई है तो सुबह 8 बजे की गई, 2 बजे आई है लाइट, 2:15 आई है, बीच में से फिर चली गई थी 10-15 मिनट के लिए। तमाशा बना हुआ है आजकल लाइट का।
हाँ जी, हमारा टी टाइम हो गया है, चाय पी रही हैं। चाय के साथ मैं ब्रेड ले रही हूँ और ये कुरकुरे हैं शायद वो हैं, और मेरी पोती कुछ और खा रही है। ये क्या ऊपर करो, मैदे के स्लाइस। अच्छा, दो बनाती हूँ, मैंने उसको काटा है। अच्छा सही है, खाओ और पढ़ो फिर उसके बाद। किताबें ये पढ़ी हुई हैं, अब थोड़ा सा इसको मैंने वो दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करो और उसके बाद बैठ के पढ़ो। अब ये फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेगी, पहले कुछ खा ले। चाय पीने का टाइम हो गया है, और किसी ने पीनी है तो आ जाए, कोई नज़दीक तरीन है तो, नहीं तो खुद ही बना के पी लें, मज़ा आएगा। ब्रेड कभी ऐसे डिप करके खाई है? खा के देखें, बिस्किट और ब्रेड बहुत मज़ा आता है। मेरी बेटी बताऊँ क्या करती है, वो पराठा भी डिप करके खाती है बाज़ दफ़ा, नवाले बना के और डिप करके चाय में खाती है, कहती है मामा बहुत मज़ा आता है। पोती भी मेरी कहती है दादो बहुत मज़ा आता है पराठा डिप करके खाने में। किसी ने खाया है कभी, बताना, ज़रूर बताना। हाँ जी, ये रात के लिए दाल चावल बनेंगे। दाल बॉयल हो चुकी है, मसाले डाल के बॉयल की थी, अभी जी ये तड़का उसके लिए बनेगा। लहसुन डाला है, लहसुन सुर्ख करने के लिए, और टमाटर काट रहे हैं, ये तैयार करेंगे और इसको तड़का देंगे, साथ सफ़ेद चावल बॉयल करेंगे। मेरी पोती ने भी तंग किया हुआ है जी, ये भी पेपर की तैयारी इसकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लगी हुई है, जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है मुझसे काफ़ी, लेकिन मैं भी जान आराम से नहीं छोड़ूंगी जब तक मैंने सारी तैयारी नहीं करवा दी इसको। कोशिश इसकी यही है कि जल्दी से जान छूट जाए। हार टमाटर की चटनी भी बनेगी, इसके लिए भी हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह ये निकाल के धो के रखे हुए हैं, साथ चटनी बनेगी टमाटर की। ये ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। हाँ जी, टमाटर इसमें डाल दिए गए हैं, अब ये गलेंगे तो फिर इसमें डालेंगे दाल में। उधर चटनी की भी तैयारी हो रही है, चटनी बनाएगी। हाँ जी, हमारी दाल तैयार हो गई है तकरीबन, मसाला बीच में डाल दिया गया है सारा,
अब इसके साथ चावल बॉयल करेंगे तो मज़े करके खाएंगे रात को। के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑयल थोड़ा सा डाला है, एक दो स्पून टेबल स्पून और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है बीच में। टमाटर काट के रखे हुए हैं, हरी मिर्चें काट की जा रही हैं। बीच में पानी डाला गया, पानी डाला है ना। ये क्या है? कुटी मिर्च चाहिए, नमक, सिरका भी डालेगा या बस ये चीज़ें डलेंगी? बस ये गलेंगी तो बस चटनी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही प्यारे बहन भाइयों मुझे इजाज़त चाहूँगी आपसे। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो शेयर किया करें और नए आने वालों को वेलकम, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी करें। यही मेरी आपसे उम्मीद है और तावन आप मेरे साथ इतना ही करें। और इसके साथ ही ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।